मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा निर्गत किए गए मंडल स्तर पर मंडलायुक्त की अध्यक्षता में तथा जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति की बैठक मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में आयोग कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में समिति में कुल 24 सदस्य शामिल किए गए हैं। बैठक में मंडलायुक्त ने कहा कि मंडल में आए हुए सभी प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अब तक मंडल में आए प्रवासी मजदूरों में स्किल एवं अनस्किल मजदूरों की सूची तैयार कर फीडिंग की जाए तथा ट्रेनिंग मॉड्यूल करते समय इंडस्ट्रीज का भी प्रतिभाग कराया जाए। कमिश्नर ने बताया कि मंडल में अब तक लगभग 3 लाख मजदूर आ चुके हैं। मंडलायुक्त ने कहा कि सभी प्रवासी मजदूरों का स्किल डेटा चेक किया जाए तथा वेरिफिकेशन में ट्रेनिंग की आवश्यकताओं का भी सर्वे कराया जाए। मंडलायुक्त ने बताया कि इस अभियान का लक्ष्य युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करके सभी उद्यमियों की सेवाओं को एक पटल पर उपलब्ध कराना है। यह अभियान कन्वर्जेंस बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन मॉडल को अपनाते हुए उपलब्ध वित्तीय और भौतिक संसाधनों सर्वोत्तम उपयोग की अवधारणा पर आधारित है। इस अभियान के माध्यम से सकुशल युवाओं को आजीविका उपार्जन के लिए प्राप्त अवसरों का बेहतर प्रयोग करवाकर उन्हें रोजगार में स्वलम तक पहुंचाया जा सकेगा। बैठक में जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर सहित कुशीनगर देवरिया के CDO, CEO गीडा संजीव रंजन, संयुक्त विकास आयोग उग्रसेन पांडे तथा समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे। यहाँ आज मुद्दे की बैठक प्रारंभ की जाती है। सबका प्रयास है कि उसको ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाए या उसको स्वतः रोजगार में नियोजित किया जाए। स्तर पर है कि जिला स्तर पर है और बीच में मंडल स्तर पर भी एक अक्षमन कमेटी बनाई गई है जो आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में है और उसमें मेंबर जो केंद्रित किए गए हैं। क्वेश्चन की आवश्यकता है जो जीबीसी साहब कह रहे हैं कि बेसिकली एक कमेटी देखिए जो है वो उत्तर प्रदेश शासन ने अप्रैल में बना दी। सो एक्चुअली जब ये कमेटी बनी थी तो असल में जो प्रवासी कामगारों की समस्या है उससे हम सम्मुखीन नहीं हुए थे, वो समस्या नहीं तब तक आई थी। अब ये जो कमेटी थी इसका स्ट्रक्चर जो था JDITI या ITI प्रिंसिपल है, ये कमेटी जो बनी थी इसका मूल उद्देश्य उस वक्त ये रहा है कि जो हमारे युवा उद्यमी हैं वो डिफरेंट योजना में, फॉर एग्जाम्पल भारत सरकार की एक योजना मुद्रा चल रही है, अब उसमें कई योजनाओं में इनको स्वावलंबन के लिए स्टार्टअप्स के लिए डिफरेंट सपोर्ट मिलते हैं। वो सब्सिडी सपोर्ट हो सकता है, इंटरेस्ट सबवेंशन हो सकता है, बैंक से लोन हो सकता है, बैंक से सब्सिडाइज रेट पर लोन हो सकता है, ये सारी चीजें। अब इन चीजों को एक इसको कोऑर्डिनेशन करने के लिए जनपद स्तर पर एक कमेटी बनाई गई है जो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में है और जिससे संबंधित विभाग रहता है। सेकेंड लेयर जो है वो मिडिल लेयर है, वो कमिश्नर मंडल आयुक्त की कमेटी का है और उसके बाद जो थर्ड लेयर है वो चीफ सेक्रेटरी साहब का है जो प्रदेश स्तर पर कमेटी करेगी और वो सारा अनुसरण करेगी। तो बेसिकली ये लेयर सिस्टम था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है कि जो इस समय हम लोग एक हमारा चैलेंज आ गया है, वो चैलेंज ये है कि जैसे प्रवासी कामगार आ गए वो डेटा रोज डेली चेंज हो रहा है, इसलिए ये समय पर ही कह पाना, लेकिन लगभग मेरे हिसाब से 3 लाख यदि चारों जनपदों का देखें 3 लाख होगा और वो अभी हम वार्ता करेंगे तो पता चलेगा एग्जैक्टली कितना है। लेकिन वो डेटा जो है वो 3 लाख 3.5 लाख लोगों में से यदि सपोज 1.5 लाख लोग काम करना चाहते हैं, वो सभी लोगों को वैसे काम करना चाहिए, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं और उसके लिए जो शासन के निर्देश आए हैं उनकी स्थिति क्या है। तो बेसिकली एक तो हम वो डिस्कस कर लें, इसी मंच पर उसको भी डिस्कस किया जा सकता है तो शायद है। 27 है, इसमें उद्यमियों को भी लिया जा सकता है। अभी इसमें श्री अमरपुर श्याम जी हैं और श्री चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी और उनको भी लिया था आपने, क्या नाम, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री था, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री था या बाकी 3 जिले हैं, CEOs भी यहाँ पर होंगे। तो उसमें देख लीजिएगा यदि आपको लगता है कि हमें 2-3 और उद्यमियों को इसमें कोऑर्डिनेशन में लेना चाहिए तो हम उनको भी नोटिफाई कर सकते हैं और एडिशनल नोटिफिकेशन निकाल के उनको भी ले सकते हैं। पहले आप प्रवासियों पर आइए, पहले वो डिस्कस ये है कि कुल प्रवासी कितने आए हैं, आ रहे हैं, वो हमारी कितने कागजर कुल मिला के 68,000 से कुछ ज़्यादा मजदूर आए हैं, इसमें कुशल मजदूर केवल 7,000 है। बट ये जो आप पढ़ रहे हैं ये 30 मई का शो, हाँ सो अभी एक्चुअली हो सकता है ज़्यादा हो लेकिन डेटा फीडिंग के हिसाब से नहीं आ रहा।
इसमें अनस्किल्ड 18,672 हैं इसके, और ये जो स्किल्ड हैं इनकी प्रकार आपने दे दिए हैं सर, ये तो इनके 9 लोग, तो ये तो सर्टिफिकेट के हिसाब से है कि मैंने बोला कि मैं स्टोर कर दिया, वो जो बोला है उसको आपने दे दिया, और ये मानते हैं आपकी जानकारी जो सही है। हमारा सर डाटा तो यही है, इसकी डाटा से तो हम काम करना सर। अच्छा बताएं इंजीनियर साहब, ऐप और ये जो आप रात ऐप में एंट्री कर रहे हैं, वो रात का जो पोर्टल है वो एक ही है जो आप लेखपाल के थ्रू करा रहे हैं? हमने अपने दफ्तर में 60 स्टाफ डीपीआरओ के मांग लिए थे, उन्हें सब मिल भी गए हैं। नहीं मोबाइल का फायदा ये भी है कि ग्राउंड पर होम क्वारंटाइन में हैं लोग, वहाँ पे डायरेक्टली कर सकते। पर डुप्लीसिटी के लिए डुप्लीसिटी इसलिए नहीं होगी कि एक मोबाइल पर एक ही बात है,